परीक्षा एवं रिजल्ट एक ऐसा वक्त होता है, इस समय किसी के भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल के बच्चों को आप देख सकते हैं, इनके विश्वास एवं खुशी को देखकर लगता है कि निश्चित तौर पर विद्यालय में बच्चों को परीक्षा के लिए शुरू से ही तैयार किया जाता है और परीक्षा फोबिया से दूर रखा जाता है। कुछ ऐसा ही दिख रहा था सुल्तानी पंडुई में अवस्थित साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जहां फाइनल रिजल्ट टीचर पेरेंट्स मीट का आयोजन किया गया था। इस मौके पर काफी संख्या में अभिभावकों की उपस्थिति देखी गई। अभिभावक व शिक्षक एक दूसरे से बच्चों की गतिविधि का मूल्यांकन कर रहे थे। इस अवसर पर सभी क्लास में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को डायरेक्टर SP सिंह द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया गया। इस मौके पर विद्यालय के डायरेक्टर SP सिंह व संयोजक अनुभव सिंह ने भी अभिभावकों को बच्चों के लिए कई मूल मंत्र दिए। कहा कि जिस तरह से बच्चों की देखभाल विद्यालय करता है, उसी तरह आप अभिभावक भी बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों की हर गतिविधि पर नज़र रखें, बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। बच्चों के लिए आपका थोड़ा सा वक्त बच्चों के कैरियर में 4 चांद लगा सकता है। सबसे पहले साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आज 31 मार्च को यह रिजल्ट का दिन रखा गया था और उस रिजल्ट में आप भी देख रहे हैं काफ़ी अभिभावकों में खुशी भी है, बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है बच्चे ने, और सारे बच्चों को हमारे द्वारा रिवार्ड दिया जा रहा है। जो फर्स्ट किए हैं वैसे बच्चों को, सेकेंड किए हैं उनको, थर्ड किए हैं उनको, सभी लोगों को जो है सो हम अपने तरफ से पुरस्कृत कर रहे हैं। परीक्षा के समय में जो टेंशन बच्चों को हो जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, बच्चे तो बच्चे हैं, बड़े लोग के भी जब एग्जामिनेशन होती, हम लोग को भी अपने ज़माने का याद है, जब एग्जामिनेशन का समय होता था तो काफ़ी माइंड में उलझने पैदा होती थी कि किस ढंग से उसको हम लोग को करना है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और हम लोग भी जिस तरह से बच्चे आज के डेट में कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोग भी अपने दिन को याद करते हैं तो लगता है कि परीक्षा क्या होता है। परीक्षा का मतलब ही है दूसरों के इच्छा के अनुसार परीक्षा होता है। अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे आज? अभिभावकों को मेरा एक ही संदेश है कि जितना मैं मेहनत करता हूँ तो उनके दैनिक आचरण में परिवर्तन नहीं होता है, उसका मूल कारण है घर का माहौल। मेरा अभिभावकों से एक ही अपील है कि आप अपने बच्चों पर निगाह रखें, मोबाइल कभी भी प्रोवाइड न करें, मोबाइल ही बच्चों का बिगड़ने का मुख्य कारण होता है, इसलिए उसके ऊपर ध्यान, उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखें। सर, वैसे बच्चों को क्या कहेंगे जो रिजल्ट में थोड़ा पीछे रह गए? वैसे बच्चों को अभी तो एक तरह से तो विद्यालय को ही लोग कह रहे हैं कि सर बच्चे पर मेहनत कीजिए, लेकिन वे कभी नहीं देखते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं। आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं हर एक डोर टू डोर हमारे स्कूल के स्टाफ, मैं स्वयं जाता हूं कि बच्चों की घर पर गतिविधि क्या है, और मैं देखता हूं कि अभिभावक विलुप्त हैं, बच्चे खेल रहे हैं, TV देख रहे हैं। मेरी अभिभावकों से एक ही अपील है कि बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हाँ, साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट का हमेशा स्पष्ट निर्देश उत्तीर्ण करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही खास होता है, और जो बच्चे अच्छे नंबर से पास नहीं कर पाए हैं या पास अगर किए हैं और अपने अगर परसेंटेज से संतुष्ट नहीं है तो उनके दिनचर्या पर हम लोगों ने फोकस किया है और अभिभावकों को एक स्पष्ट निर्देश दिया है कि आप अपने बच्चों के दैनिक गतिविधि पे नज़र रखिए, क्योंकि आज के बच्चे का माइंड सेटअप पहले के बच्चों के बराबर नहीं दिखता है।
हर बच्चों का माइंड सेटअप अलग है, हमेशा उनको नकारात्मक बात मत बताया करें, हमेशा उनको सकारात्मक सोचने की नसीहत दीजिए, हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे बच्चों के दिमाग पे भी पॉजिटिव असर होगा। अगर बच्चे का नंबर कम है तो कभी भी दूसरे बच्चों से मत आकिए, अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित कीजिए, पढ़ाई के प्रति अगर आपका ध्यान है तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, और संध्या काल में बच्चों के सेल्फ स्टडी पर विशेष फोकस होना चाहिए, तभी बच्चों का बेहतर रिजल्ट आ सकता है। और स्कूल में तो बच्चे 6 घंटे रहते हैं, और 6 घंटे रहने के बाद बाकी बच्चे अपने माता पिता के पास रहते हैं, और हर माता पिता आज के समय में व्यस्त होते हैं, तो थोड़ा अभिभावकों को भी अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और विद्यालय को भी अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। जब दोनों का जवाबदेही सही होगा तभी एक बेहतर परिणाम आएगा, और हमारे विद्यालय का परिणाम 100% रहा है। जिन बच्चों ने बेहतर किया है उनको हम लोगों ने पुरस्कृत भी किया है, और जिन बच्चों का बेहतर नंबर नहीं है उनको हम लोगों ने सख्त निर्देश भी दिया है। बच्चे साल भर मेहनत करते हैं और उसके बाद परीक्षा जब आता है तो उनको टेंशन हो जाता है, तो टेंशन तो नहीं होना चाहिए जिस तरह की तैयारी। नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो विद्यालय में एग्जामिनेशन फोबिया से बचने के लिए मोटिवेशनल वर्कशॉप कराते हैं, शिक्षकों के लिए वर्कशॉप कराते हैं। आपको ताज्जुब होगा, मैं अपने बच्चों के लिए वर्कशॉप कराता हूँ, इसीलिए मैं वर्कशॉप कराता हूँ कि बच्चों के दिमाग में कोई भी नकारात्मक चीज़ न जाए, पढ़ाई को और परीक्षा को एक उत्सव के रूप में परीक्षा के समय करें। जब उसको एक उत्सव के रूप में करेगा तो उसके अंदर दिमाग में डर नहीं होगा। शिक्षकों को हम नसीहत देते हैं कि अरे भाई, आप साल भर मेहनत करते हैं और साल भर का फसल आप वार्षिक परीक्षा में काटने का प्रयास करते हैं, देने का प्रयास करते हैं, तो आपको अपनी भूमिका तय करनी होगी, क्योंकि आज के समय में शिक्षकों में भी काफ़ी अंतर हुआ है, क्योंकि सभी शिक्षक और बच्चे आज के समय में इस तरीके का एटीट्यूड अपना रखते हैं जो उनके सर्वांगीण विकास पर भी असर डालता है और परीक्षा परिणाम पर भी असर डालता है। तो मेरा बच्चों के साथ साथ सभी शिक्षकों को भी ये नसीहत है कि जहाँ भी आप काम करते हो पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और बच्चों के गतिविधि पर नज़र रखिए। अगर बच्चा कोई गलत करता है तो उसको बताइए, उसके साथ एक दोस्त का व्यवहार अगर आप करते हैं, दोस्ती के जैसा अगर उनके साथ ट्रीट करते हैं, तो उनमें एक अलग अंदाज होना चाहिए, और जब अलग अंदाज होगा तभी एक स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में रिलेशन क्रिएट होगा, क्योंकि दुनिया आज के समय में बहुत आगे चला गया है, और ये आप भी फील करते ही होंगे, ऐसा नहीं।